एक आम सबमरीन के मुकाबले में टाइटैन जो अपनी पावर से बंदरगाह के ऊपर और नीचे जा सकती है। ये 20 फीट लंबी और 20,000 पाउंड्स वजनी एक सबमरीन है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी सरफेस सपोर्ट पर डिपेंड करती है जो इसको साइट तक ले जाती है। इसको एक बार 30 फीट पानी के अंदर जाना होता है, फिर ये अपने काम सही तरह कर लेती है और फिर बाकी 12,500 फीट के लिए ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इसको ओशन ग्राउंड में चलने के काम आते हैं। फिर जब वापस आने का टाइम होता है तो इसके एक वेसल से पानी निकाल दिया जाता है और ये एक ब्लास्ट की मदद से होता है। जैसे ही ये ओशन की सरफेस पर आता है तो इसकी स्पोर्टिंग शिप इसको वापस रीलोड कर लेती है। स्पोर्टिंग शिप और सबमरीन के लोग आपस में रबते के लिए सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? पानी की फिज़िकल कंडीशंस और उस एरिया की डेप्थ का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी हम ज़मीन पर और स्पेस पर यूज़ करते हैं जैसे GPS और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो हम समुंदर के अंदर इस जगह यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए टाइटन पानी में एकोस्टिक सिस्टम्स को यूज़ करती है जिससे पार्टिकुलर वेव्स निकलती हैं और ये वेव्स इसकी लोकेशन डिटेक्ट करती हैं। ये वेव्स 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जबकि ओशन एकोस्टिक के केस में लोकेशन और रेंज बहुत मैटर करती है। अगर टाइटन थोड़ा सा भी डिसलोकेट हो जाए तो इसकी वेव स्पोर्टिंग शिप को नहीं मिल सकेंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइटैनिक के मलबे के आसपास क्या माहौल है? मलबा तकरीबन 12,500 फीट नीचे है जहां ओशन की डार्कनेस एक्सट्रीम पर है। समुंदर में सनलाइट तकरीबन 3,000 फीट तक ही जाती है और यहां टेम्परेचर ज़्यादातर 2 सेंटीग्रेड ही रहता है। इतने ठंडे पानी की वजह से इस पानी में जाने के लिए एक हीटेड कैबिन की ज़रूरत होती है। अगर टाइटन ओशन की सरफेस पर आ जाता है तो वहाँ से लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए? सबसे पहले तो हमें एक ऐसा वेसल चाहिए जो पानी में इतनी गहराई तक जा सके, जो कि पूरे प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा कम है। और टाइटन में कोई भी हैच नहीं है जिसके ज़रिए पैसेंजर्स को किसी और रेस्क्यू सबमरीन में ट्रांसफ़र किया जाए, इसलिए यहाँ से अगर कोई भी रेस्क्यू होगी तो वो ओशन की सरफेस पर ही होगी। तो इसको रेस्क्यू करने के लिए किसी भी तरह इसको ओशन की सरफेस पर लाना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइटन ओशन की सरफेस पर आ गया हो और लोगों को इसका ना पता हो? ये तो हम जानते हैं कि टाइटन के पास बेकार हिफाजती इकदामात का एक सिलसिला है जो कि इसको किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ओशन पे ला सकता है। अगर कोई फेलियर हो जाए तो इसको ओशन की सरफेस पर लाना काफ़ी नहीं है। जब तक कोई क्रियो इसको बाहर से ना खोले तो इसके अंदर से लोग बाहर नहीं आ सकते। ये एक वीडियो गेम से चलाया जाता है जो कि वाकई लो टेक्नोलॉजी लगता है, लेकिन US मिलिट्री की लेज़र कैनन और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी इसी से चलाई जाती हैं। क्या पहले कभी कोई किसी सबमरीन से रेस्क्यू किया गया है? अगर हम सन 2000 में आने वाले क्रस्क डिज़ास्टर को रिकॉल करें तो रशियन नेवी की एक सबमरीन पर टोरपेडो फट गया था। टोरपेडो एक सिगार शेप मिज़ाइल होता है जो कि किसी भी सबमरीन या आर्म्ड शिप में मौजूद होता है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट पर फायर किया जाता है। ये टॉरपेडो जब इस सबमरीन से लगा तो बहुत से क्रू मेंबर्स तो फौरन ही मर गए और 23 लोग सबमरीन में पानी के 350 फीट नीचे फंस गए। और जब 9 दिन बाद रेस्क्यू मेंबर्स आए तो 118 लोग मर चुके थे, लेकिन इससे पहले एक सबमरीन को बचाया भी गया था। जब पाइसिस 111 का अमला 76 घंटे तक ओशन के फ्लोर पर फंसा रह गया था और जब रेस्क्यू मेंबर्स इसको बचाने के लिए इसके पास पहुंचे तो इसमें सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन ये सिर्फ 1575 फीट पर होता है और टाइटैनिक 12,500 फीट पर थी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।